मोदी कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्री आज दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल बीजेपी दफ्तर में हैं। इनके अलावा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और ओडिशा से राज्य मंत्री बने विशेश्वर टूडू भी बीजेपी दफ्तर में हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब तमाम मंत्रीगण यहां पर पहुंचे। कल ही इन तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है, आज इनमें से कईयों ने अपना पदभार ग्रहण भी किया और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दिल्ली में वहां पर पहुंचे हैं ये तमाम नेता। सर्वानंद सोनोवाल को आपने देखा, इनके अलावा भी तमाम लोग पहुंचे हैं। पार्टी के अध्यक्ष से आज इनकी मुलाकात होनी है। तो कई ऐसे मंत्री जिन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं। जब यहां पर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे तो उनसे उन्होंने बातचीत की है, सुनिए आप। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पदभार ग्रहण करने के बाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण किया है। निश्चित तौर पर कहा है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं प्रधानमंत्री ने। सिंधिया साहब जी, जी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे हैं बीजेपी मुख्यालय। सिंधिया साहब हमारे साथ में, कोशिश करते हैं कि बात करने की, लेकिन माल्यार्पण किया है और उसके बाद में सिंधिया साहब एक नई जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, उस जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा, मेहनत और क्षमता के साथ निर्वाह करना ये मेरा उद्देश्य है। जो भी क्षमताएं मेरी हैं, पिछले 20 सालों का अनुभव है, उसके आधार पर, उनकी अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतर पाऊँ, यही मेरा एक संकल्प है। ये एक युवा कैबिनेट कही जा रही है और आप एक युवा चेहरा, निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। देखिए, अनुभव और युवा पीढ़ी दोनों का संगम इस कैबिनेट में है और दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। अनुभव की भी ज़रूरत है, युवाओं की भी ज़रूरत है और दोनों की क्षमताओं को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा में उत्पन्न करना, यही हमारी कोशिश रही। सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें आप सुन रहे थे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय से। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं और कौन कौन मंत्री पहुंचे हैं, किन्हें किन्हें आपने देखा, किन से बात हो पाई? अखिलेश, फिलहाल यहाँ पर अब तक जो है करीबन 7 से 8 मंत्री पहुँच चुके हैं। इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो अपना पद ग्रहण करने के बाद में पहुँचे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी इसके बाद में करेंगे। फिलहाल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये वो प्रतिमा है जहाँ पर सारे मंत्री आ रहे हैं और माल्यार्पण कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा यहाँ पर आकर के सभी मंत्री शीश नमन कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं और उसके बाद में फिर वो जेपी नड्डा, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके साथ में मुलाकात होनी है। आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, अब तक जो बीजेपी के मंत्री बने हैं, कौशल किशोर, वीरेंद्र कुमार, प्रतिमा भौमिक, भगवंत खूबा, विश्वेश्वर टुडू, दर्शना विक्रम जादोष, सर्बानंद सोनोवाल, मीनाक्षी लेखी और मनसुख मांडविया और उसके साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनसे अभी हमने बात की है, तो ये सारे लोग पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी माल्यार्पण किया है। जब उनसे सवाल पूछा कि चुनौतियों को लेकर के, तो उन्होंने इतना ही कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और रही बात कोरोना काल में जिस तरीके से सेकेंड वेव और थर्ड वेव की चुनौतियां हैं या वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के कई सारे सवाल जरूर पूछे गए, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी कार्यभार संभाला है लिहाजा उन सारे सवालों का जवाब दूंगा, एक बार जो समझ लेने दीजिए। लेकिन फिलहाल इस वक्त के लिए बीजेपी मुख्यालय से जानकारी यही है कि एक एक करके जितने भी मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली थी और आज अपने दफ्तरों में पहुंच करके कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए या फिर बात की जाए मनसुख मांडविया की, मीनाक्षी लेखी की, ये सारे वो मंत्री हैं जो अपना कार्यभार ग्रहण करके यहां पर पहुंचे हैं। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि यहां से जाकर के कार्यभार ग्रहण करेंगे। अंकित, यहां पर सब इकट्ठा होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में बातचीत होगी। अंकित, ये बताएं, ये जो मुलाकात है यूं ही शिष्टाचार वश मुलाकात है या कुछ खास एजेंडा भी है?
जी फिलहाल यही कह सकते हैं कि शिष्टाचार वश मुलाकात है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर जब मुलाकात होगी, कहा तो शिष्टाचार वाली मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन इन मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे पार्टी के तौर पर भी, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जुड़ेंगे प्रधानमंत्री से, जब कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जैसी जानकारी निकल के सामने आई, प्रधानमंत्री ने यही इनसे कहा है, उससे पहले बैठक जब हुई थी तब भी यही कहा था कि आपको जो पार्टी या ये अंकित, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नए मंत्रियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक जो नए मंत्री बने हैं उन्हें 15 अगस्त तक दिल्ली ना छोड़ने को कहा गया है। इन नए मंत्रियों से अपने मंत्रालयों का काम समझने को कहा गया है। कोरोना को देखते हुए चुनाव क्षेत्र में जश्न मनाने से मना भी किया गया है। ये ताजा जानकारी। रौनक कुकरे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रौनक, इस खबर से जुड़ी क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए अखिलेश, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जब जो नए मंत्री शपथ लेने वाले थे, उसके पहले कल जब 11:30 बजे प्रधानमंत्री के कार्यालय में मंत्रियों को बुलाया गया था जिन्हें शपथ लेनी है, उस वक्त उन्हें इस बात की जानकारी जो है वो दी गई थी कि 15 अगस्त तक दिल्ली न छोड़े, पूरी तरीके से अपना जो विभाग है जो उन्हें अलॉट किया जा रहा है उसकी हर चीज़ें जो है वो समझ ले। और दूसरी बात, कोरोना का प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है कई राज्यों में, अब भी कोरोना की स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है, हाथ में पूरी तरीके से कोरोना जो है वो संभला नहीं है, ऐसे में अपने चुनाव क्षेत्र में जाके जश्न जो है वो ना मनाए। इतना ही नहीं तो हमें जो सूत्रों ने बताया वो ये भी है कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाने की बात भी जो है, हिदायत जो है वो मंत्रियों को दी गई। तो कुल मिलाकर फिलहाल इस तरह की खबर है कि 15 अगस्त तक दिल्ली न छोड़ने की बात जो है वो सरकार की तरफ से मंत्रियों को बताई गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका रौनक कुकड़े। दरअसल मोदी कैबिनेट में शपथ के बाद आज मंत्री अपना कामकाज भी संभाल रहे हैं। आज सुबह से एबीपी न्यूज पर वो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे, उन्होंने एमएसएमई मंत्री के तौर पर अपना काम संभाल लिया है। उधर किरण रिजिजू को बेहतर काम के इनाम के तौर पर स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट करके कानून मंत्री बनाया गया, उन्होंने भी कार्यभार ले लिया है। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें जो आपके सामने हैं। जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा मिला है, जबकि अनुराग ठाकुर का भी प्रमोशन हुआ। अनुराग ठाकुर अब देश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इसके अलावा युवा और खेल मामलों के भी मंत्री हैं वो, जबकि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। जी किशन रेड्डी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, उन्हें पर्यटन और संस्कृति मंत्री का जिम्मा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मनसुख मांडविया को दी गई है, उन्हें भी आप देख पा रहे होंगे। जबकि महाराष्ट्र के डिंडोरी से सांसद डॉक्टर भारती पवार को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया है, और ये तमाम लोग जब कार्यभार संभाल रहे थे उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।